वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए कि बेसिकली क्या हो रहा है, उस पर चार्जिंग जब हम लगाते हैं तो चार्जिंग क्या हो रही है, रुक छूट छूट जा रही है, कभी मतलब झटके ले लेके चार्ज कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स हमारे जीआर चेक कर रहे हैं, तो जीआर देखिए कनेक्टर पर हम चेक कर रहे हैं। तो जीआर चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है कि रेड जो होता है उसको ग्राउंड पे रखना होता है, और सबसे पहले आप ग्राउंड पॉइंट को ढूंढ लीजिए, वहां से हटाओ। अरे अब देखिए यहाँ पर सबसे ये उंगली हटा, ये देखिए ग्राउंड है। अब हमें इसके पॉजिटिव पर जीआर 500 से 600 के आसपास क्या होना चाहिए, जीआर वैल्यू आना चाहिए। तो ये देखिए जीआर आ रहा है यहाँ पर। अब जीआर के बाद हमें अपना पर यहाँ पर क्या चेक करने है, वोल्टेजेस चेक करने। तो वोल्टेज हम चेक करने जा रहे हैं, ये देखिए वोल्टेजेस अब चेक हो रहे हैं। तो वोल्टेजेस देखिए आप, अब देखिए यहाँ पर ये वोल्टेजेस के लिए यहाँ पर इसको डीसी पे करना पड़ेगा। तो ये देखिए अभी डीसी पर वोल्टेजेस देख रहे हैं, ये देखिए 5.26 ना 5.30 वोल्टेजेस आ गए। तो चार्जिंग कनेक्टर पर सबसे पहले जीआर चेक करिए, जीआर के बाद वोल्टेजेस चेक करिए, इस लेवल पर रिपेयरिंग आपको सीखना होता है। तो इससे ये कंफर्मेशन आता है कि जो चार्जिंग कनेक्टर है उसमें लगभग चीजें क्या लग रही है, हमें सही लग रही है। अब इसकी मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको कि जो मोबाइल है प्रॉब्लम क्या कर रहा, लगा उसको, आइए देखते हैं इसकी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में देखिए आप, इसको हम फिट करके आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं, फिर इसका सोल्यूशन अगले वीडियो में मैं डालूंगा कि इसमें हमने क्या इसका सोल्यूशन निकाला। तो देखिए इसको लगा रहे हैं, इसमें मैं आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, इस मोबाइल में क्या क्या। यहीं रखो ना यार, जब लाइव वीडियो चल रहा है तो हिलाते क्यों हो। ये यहाँ पर इसको हमने लगा लिया, इसमें मैं और प्रॉब्लम्स आपको दिखाता हूँ। अब इसके देखिए जो ऑन ऑफ स्विच, इसके जो वॉल्यूम कंट्रोलर है उस पर भी मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ, कस्टमर ने जो हमारे पास आया था। अब यहाँ पर देखिए इसका ये जो स्विचेस है, ये देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर है, यहाँ पर देखिए ये सारे स्विचेस प्रॉपर है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका ये ऊपर का हटा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने का क्या तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो देखिए इसको चेंज करने का जो तरीका है, छोड़ दो, इसको चेंज करने का तरीका देखिए, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये निकालो इसको, ये पूरा का पूरा ये पत्ता आएगा। इसके अलावा इसमें हमें इसको ग्लू से क्या होना करना होता है, चिपका देना होता है। तो ये प्रॉपर 100-150 रुपए के आसपास का आता है, और इसको हम पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, चेंज करके। कभी भी अगर वॉल्यूम नहीं दब रहा है, वॉल्यूम ऊपर नीचे अपने आप हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह की दिक्कत आती है। इसके अलावा एक और दिक्कत ये आती है कि जो इसको आप ऊपर से कवर लगाते हैं, तो इस पे जब आप लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा सफाई से ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई ग्लू वगैरह ना जाने पाए। अब इसकी प्रॉब्लम दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से दिक्कतें कर रहा है। अब इसको हम यहाँ पर चालू कर रहे हैं, और चालू करने के बाद मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम इसको चालू करते हैं, और ये किस तरह की दिक्कतें कर रहा है आप देखेंगे अभी। ये रेडमी का फोन है, रेगुलर आते हैं बच्चे लगातार यहाँ पर रिपेयरिंग करते हैं, एक्चुअल रिपेयरिंग होती है। डेड फोनों पे कोई रिपेयरिंग नहीं होती, डबल डेकर ऐसे निकाल के लगा के डेड की डेड निकाल के दिखा दे रहे हैं। हम यहाँ पर आपको चालू चीजें दिखाएंगे, डबल डेकर निकालेंगे, सामने चालू करेंगे और सामने सेट क्या होगा, चालू ही मिलेगा। डेड सेट जिंदा करेंगे, चालू सेट की भी हम आईसीएन निकाल के सामने आपको लगाकर दिखाएंगे। अभी देखिए इसको चालू हो जान दीजिए, फिर हम इसमें आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं और इसका सॉल्यूशन, या तो मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप में डालूंगा, या फिर इसका सॉल्यूशन आप मुझसे परचेज भी कर सकते हैं कि एक्चुअल इसका सॉल्यूशन क्या हुआ। तो आइए देखते हैं इसमें, देखिए चालू हुआ है, और चालू होने के बाद मैं अब आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाता हूँ, लगाइए। अब जैसे हम इसको लगाते हैं चार्जिंग पर, तो देखिए चार्जिंग में क्या होना है इसमें, अभी देखिए यहां पर चार्जिंग हो रही है, ये देखिए चार्जिंग छोड़ दे रहा है, चलने दो यार, छोड़ दो, कुछ मत करो, ये ले रहा चार्जिंग, ये ले रहा चार्जिंग, हाँ ये ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे ग्रीन, एक मिनट रुको, आई नहीं ना वो प्रॉब्लम, अभी ये क्या होता है, ये झटका लेके क्या होता है, बंद होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये इस तरह से क्या करता है, चार्जिंग छोड़ देता है, अभी ये चार्जिंग यहाँ पर ये छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया, ये देखिए छोड़ दी, पकड़ ली, छोड़ दिया, ये चीजें ये कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजों की जो सॉल्यूशन है उसको हमें देखना है। अब देखिए इसमें ये जो झटका ले रहा है, ये
अब जब हम इसको चार्ज पे लगा दे रहे हैं तो ये देखिए वापस आया और ये आ रहा है और जा रहा है, और लगातार ये क्या करता है बैटरी का जो परसेंटेज है उसको गिराना क्या कर दे रहा है, ये चालू कर दे रहा है। तो ये एक समस्या इसकी है, तो इसका सोल्यूशन मैं ग्रुप में डालूंगा और इसका वीडियो आप हमसे परचेज कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या था। ये एक प्रॉब्लम आती है, इसका सोल्यूशन बहुत जबरदस्त होता है, या तो मैं जो मेरे ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो मैं ये वीडियो आपको जरूर दे दूंगा ताकि आप इसको देख सकें। इसके अलावा हमारे पास एक और सेट था आज, और उस सेट पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कतें थी। और इस सेट पर जो दिक्कतें हैं देखिए 46% पे आ गया है वापस, अभी ये 47 था, देखिए वापस चला गया। ये इस तरह से इस पर लगातार वो ये गिरता चला जाएगा, और इसको हम अभी चलो इसको सोल्यूशन तुम लोग चालू करो। देखिए एक और सेट था हमारे पास जिसमें इन्होंने इसका फोल्डर चेंज किया, और दिखाइए देखिए पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसको चेंज किया। फोल्डर चेंज किया था, ग्लास चेंज किया? सर पहले ग्लास चेंज किया था तो फोल्डर डैमेज कंडीशन। अच्छा अच्छा, तो ये पूरा क्लियर हो गया? यस सर। कौन सा सेट था ये? इसलिए चेंज कर लिया सर। ये सर सैमसंग M32 5G। सैमसंग M32 5G, और ये पूरी तरह से अब क्या हो गया, रेडी हो गया कस्टमर के पास जाने के लिए। और इस सेट पर अभी हमारे स्टूडेंट्स इस पर काम करेंगे, और इसका सॉल्यूशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये देखिए छोड़ रहा है ये इस तरह से क्या कर रहा है, छोड़ रहा है पकड़ रहा है। ये देखिए फिर पकड़ा इसने, और लगातार बैटरी क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो पैनलों पर जो फोल्डरों पे दिक्कत आती, लाइन आने की दिक्कत आती, सॉफ्टवेयर से भी आती, हार्डवेयर से भी आती, पत्ते से भी आती, तो ये सारी चीजें हम आपको क्लास में बताते हैं। और ये जो मैंने आपको पत्ता का प्रॉब्लम बताया था, ये स्विच में आप देखेंगे 100-150 रुपए का स्विच आता है, लेकिन इसका खोलना बंद करना ये थोड़ा सा क्या होता है, इसका मैकेनिक पैसा लेता आपसे तो वो उसका जायज होता है, 100-150 रुपए के आसपास वो चीज आती है। तो ये देखिए ये सेटों पर लगातार काम चल रहा है, शाम को 5-6 बज रहे हैं, इसके बाद भी हमारी लैबें खचाखच चलती हैं, और बेहतरीन हम तरीके 10-12 घंटे 16 घंटे तक की क्लासेस स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि वो सीख पाए, काम कर पाए। ये था एक वीडियो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।